Good morning everyone. Today we are going to start problems on projection of lines. Line AB 80 mm long is inclined at 35 degree to HP and 55 degree to VP. If point A is 20 mm away from both the planes, draw the projections of line AB and determine the value of its apparent angles. Okay, आपको प्रॉब्लम दिया है लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग, ठीक है, एंड इंक्लाइन टू एच पी बोला 35 डिग्री एंड इंक्लाइन टू वी पी बोला 55 डिग्री. पॉइंट ए इज 20 mm अवे फ्रॉम बोथ द प्लेन्स, मीन्स पॉइंट ए इज 20 mm अवे फ्रॉम बोथ द प्लेन्स. उसका मीनिंग है पॉइंट ए इज 20 mm अबव द एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ द वी पी. दोनों मेरा डिस्टेंस सेम है 20 mm का, ठीक है. ड्रॉ प्रोजेक्शंस एंड फाइंड अपेरेंट एंगल्स. अपेरेंट एंगल्स होता है एंगल ऑफ द फ्रंट व्यू एंड एंगल ऑफ द टॉप व्यू. आपको उसको गिन के लिखना पड़ता है, ठीक है. तो पहले मैं करता हूँ ड्रॉ, शुरू करता हूँ. प्रॉब्लम ये गिवन दिया हूँ मुझे, ठीक है. तो वंस द लाइन इज गिवन ए बी, तो माई लाइन नेम इज ए बी, ठीक है. तो उसमें मेरे 80 mm का लॉन्ग डिस्टेंस है. तो लाइन हैज टू लेंस, लाइन हैज देयर आर टू ए बी, देर आर टू टाइम्स इन द स्टेज वन एंड स्टेज टू. लाइन ए बी इज माई 80 mm लॉन्ग गिवन, ओके. देर आर इन द लाइन्स वी हैव लाइन ए बी टू टाइम्स इन द केस वन एंड केस टू. तो उसका नाम होता है मेरा ए डैश बी वन डैश इज इक्वल टू ए बी टू इज इक्वल टू 80, ठीक है. नाउ एंगल इंक्लाइन टू एच पी बोला है, तो इंक्लाइन टू एच पी 35 डिग्री, उसका नाम होता है डेटा. एंड इंक्लाइन टू वी पी इज 55 डिग्री, उसका नाम होता है, अब बोला लाइन इंक्लाइन टू एच पी बोला है 35 डिग्री, उसका नाम होता है डेटा. एंड लाइन इंक्लाइन टू वी पी बोला है 55 डिग्री, उसका नाम होता है फाय. और हम निकालेंगे ना फ्रंट व्यू इंक्लाइन टू एक्स वाई और हमारा अल्फा, एंड टॉप व्यू इंक्लाइन टू एक्स वाई उसका नाम रहेगा बीटा. आपको दो एंगल निकालना अल्फा और बीटा, जो है मेरा अपेरेंट एंगल्स. तो पहले मैं करूँगा एक्स लाइन ड्रॉ करूँगा. पहले मैं फर्स्ट आई एम ड्रॉइंग द एक्स वाई लाइन. पहले मुझे एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, तो आई वॉन्ट टू मार्क. पहले मुझे अभी मुझे पॉइंट मार्क करना है. पॉइंट ए दिया मुझे लोकेशन, तो मेरा पॉइंट का डिस्टेंस है 20 mm फ्रॉम बोथ द प्लेन्स. तो मेरा जो मेरा ए डैश है, ए डैश इज 20 अबाउ एक्स वाई. मेरा ए जो है वो भी मेरा 20 बिलो एक्स वाई, ठीक है ना. क्योंकि मेरा अबाव इज अबाव एंड इन फ्रंट गोज बिलो. तो अबाव मेरा अबाव है कि 20 है और इन फ्रंट मेरा नीचे है जो मेरा 20 है. तो पहले मैं पॉइंट लूंगा यहाँ से. तो मैं पॉइंट पहले मैं मारूंगा ए. तो यहाँ से मैंने पॉइंट ले लिया है, इसका नाम है मेरा ए डैश, इसका नाम है ए. और मेरे बोथ डिस्टेंस मेरे 20 का, आप इसको डिस्टेंस शो कर सकते हो यहाँ पे. आपको दोनों का डिस्टेंस शो करना है. फिर आपको करना क्या है, आपको फिर इस वाले पॉइंट से एक फ्रंट लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल अलोंग द एक्स वाई को. आपको एक्स को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है फ्रंट लाइन दोनों पॉइंट में से, ठीक है. आपको एक्स वाई में से एक लाइन ड्रॉ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. अभी आपको क्या करना है, आपको लेना है प्रोट्रैक्टर. आपको रखना है इस वाले पॉइंट पे, आपको एंगल लेना है 35 डिग्री का, ठीक है. आप बस लोगे प्रोटेक्टर रखोगे इस वाले पॉइंट पे, आपको ऐसा एंगल लेना है 55 डिग्री का, ठीक है. तो आप यहाँ पे रखोगे, आपको लेना एंगल 35 डिग्री का. तो मैंने आपको एंगल मार्क कर दिया 35 डिग्री का, और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी स्ट्रेट लाइन लंबा सा, ओके. आपको यहाँ से लेना एंगल 55 डिग्री का. आपको लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से नीचे, फ्रंट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है. लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है. अब आपको बोला है, आपको लेंथ दिया लाइन का 80 mm का. आपका है केस का है ए डैश बी वन डैश आएगा, आपका ए बी टू आएगा,
ठीक है। तो मुझे ट्रू लेंथ दिया हुआ लाइन का, जिसका नाम है ट्रू लेंथ, वो मेरा होता है, इसका नाम है ट्रू लेंथ, 80 mm लाइन का जो ट्रू लेंथ है, ठीक है। तो मुझे मारना पहले एक ट्रू लेंथ मारना है 80 का, यहाँ से आगे मारना है समय, ठीक है। तो आप कंपास लोगे, कंपास लेंथ लोगे 80 mm का, आप मारोगे यहाँ से आगे में, आपने यहाँ से कट कर दिया। आप सेम लेंथ लोगे 80 का, आप यहाँ से मारोगे आगे में, ठीक है, आपने 80 का यहाँ पर भी कट कर दिया है, ठीक है। आपका ये हो गया ए डैश, इसका नाम है बी वन डैश, इसका नाम है बी टू, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आप एक स्मॉल ऐसे लोकस ड्रॉ करना है, उसका नाम है लोकस ऑफ बी वन, लोकस ऑफ बी टू, ठीक है, उसका नाम लोकस ऑफ बी वन एंड लोकस ऑफ बी टू। आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है स्ट्रेट ऐसे, फ्रेंट लाइन, आपको यहाँ से भी इसको पैरल एक लाइन ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन इस वाले पॉइंट से, ठीक है, ओके। तो अभी मेरा है ए, ए मेरा है ट्रू लेंथ हो गया मेरा। अभी क्या करना है, केस वन का जो मैंने लाइन ए डैश बी वन डैश है, ए मेरा ट्रू लेंथ है, इट यूज माय प्लान लेंथ, ओके। इसका मुझे निकला प्लान, मेरा प्लान निकलेगा यहाँ से, मेरा मेरा ए में यहाँ से जाएगा प्लान है, मेरा पी एल निकलेगा यहाँ से, आसमान निकलेगा ई एल, इसका नाम मेरा टू ले, इसका नाम मेरा टू ले, ठीक है। तो ये मैं लूंगा नीचे, ठीक है। वेन आई एम ड्रॉइंग द प्रोजेक्शन ऑफ द टू लेंथ डाउन साइड, आई विल गेट द प्लान लेंथ, ओके। तो मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन यहाँ पर, जो मुझे यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट हो गया ए बी टू, ए डैश ए बी वन, ठीक है, ये मेरा हो गया ए बी वन, जिसका नाम है मेरा प्लान लेंथ, ठीक है। और इफ आई एम ड्रॉइंग वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन फ्रॉम बी टू वर्टिकल, आई विल गेट द एलिवेशन लेंथ, ओके। तो मुझे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है वर्टिकल, तो मैं करता हूँ पैरेलल इसको पकड़ता हूँ, मुझे यहाँ से इस वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है वर्टिकल, जो मेरा कट करेगा इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से मुझे मिलेगा मेरा एलिवेशन लेंथ, ओके। इसका नाम है मेरा ए डैश बी टू डैश, ठीक है, ए डैश बी टू डैश, ये मेरा है एलिवेशन, ये मेरा है प्लान, इसको मैं नाम से आगे कर देता हूँ, ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, मुझे लोकस थोड़ा लंबा ड्रॉ करना पड़ेगा, हाँ मुझे लंबा लोकस चाहिए, ठीक है, ये मुझे लंबा ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, तो क्या होता है, योर एलिवेशन लेंथ इज इक्वल टू फ्रंट व्यू, ओके, ईएल इज इक्वल टू फ्रंट व्यू लेंथ, ओके, एंड पीएल इज इक्वल टू टॉप व्यू लेंथ, ठीक है। तो मैं ईएल आल्सो द रोटेशन ऑफ ईएल, ओके, रोटेशन ऑफ ईएल गिव्स फ्रंट व्यू एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड रोटेशन ऑफ पीएल गिव्स टॉप व्यू एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इफ आई विल रोटेट ईएल एलिवेशन लेंथ ऊपर, तो मुझे मिलेगा क्या, फ्रंट व्यू, एंड आई विल रोटेट प्लान लेंथ डाउन, आई विल गेट द टॉप व्यू। आपको करना क्या, आपको कंपास लेना है, आपको सिंपल लेना है ए डैश टू बी टू डैश, ठीक है, कंपास लोगे, लेंथ लोगे ए डैश टू बी टू डैश, आपको इतना यहाँ लोगे यहाँ से इतना रेडियस, आपको यहाँ से क्या करना है, इसको एक आर्क घुमाना है, जहाँ पे कटेगा वो मेरा हो गया फ्रंट व्यू का पॉइंट, ठीक है। आपको सेम क्या करना है, आप कंपास लोगे, कंपास लेंथ लोगे ए बी वन, ठीक है, प्लान लेंथ का रिश्ता, आपको उसको यहाँ से आर्क घुमाना है, जो मेरा कटेगा नीचे में, तो आपको घुमाना है ऐसे आर लाल लेंथ का जो यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो ये मेरा बी टू पॉइंट थोड़ा सा आगे है, मेरा बी टू है, ये मेरा ए बी है, ये मेरा ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश नथिंग बट द माय फ्रंट व्यू, आपको इसको डार्क करना पड़ता है, ठीक है, मेरा ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू है, मेरा ए बी मेरा ठीक है।
मेरा ये मेरा दिस इज माय टॉप, ठीक है। तो ये मेरा है फ्रंट व्यू, ये मेरा है टॉप व्यू। ये आपका जैसा कोई आपका एंगल है, ये आपका एंगल है डीटा, ये आपका एंगल है फाइव, ये आपका एंगल था 35 डिग्री का, ये आपका था 55 डिग्री का, आपका ये आपका एंगल हो गया है नया वाला, ये आपका एंगल है अल्फा और ये आपका एंगल है बीटा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अल्फा गिनना है, बीटा गिनना है, आपको यहाँ पे उसके एंगल्स लिख देने हैं, ठीक है। आपको अल्फा गिनना है कितना आएगा एंगल्स, आपको बीटा गिनना है कितना आएगा, आपको कितने आपका हो गया आंसर। इसका नाम है लोकस ऑफ बी टू, इसका नाम है लोकस ऑफ बी वन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से ऊपर लिया हुआ है, ये मैंने यहाँ से नीचे लिया है, ये मैंने यहाँ से नीचे लिया हुआ है, ये मैंने यहाँ से ऊपर लिया हुआ है, ठीक है। तो आपका ये मेरा प्रॉब्लम हो गया। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। प्रोजेक्शन लाइन का प्रॉब्लम है, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, हो सकता है कि आपको पेपर में आ सकता है एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच।